नमस्कार, प्रारब्ध के और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं अजय सिंह जी, स्वामी रामदास। दर्शकों, इस बीच पहलवानों के इस पूरे धरने के मामले को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। अजय सिंह जी एक भूतपूर्व कुश्ती कोच, पहलवान और दो यशस्वी पहलवान पुत्रों के पिता होने के नाते, एक सामाजिक चिंतक होने के नाते इस चीज को बड़ी विशेषज्ञता के साथ फॉलो कर रहे हैं। आप इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन छोटे छोटे अपडेट्स बताऊं। आज सोमवार का दिन है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। बीती शनिवार की रात 11 बजे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों धरनारत पहलवानों के नेता, अब इन्हें नेता ही कहा जाएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनकी मुलाकात होती है गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह से दो घंटे तक इस मुलाकात में, जो आधी रात के लगभग चलती है, उसमें अमित शाह जी ये कहते हैं, गृह मंत्री ये कहते हैं कि देखिए FIR हो चुकी है, पुलिस को जांच करने और निष्कर्ष पर आने का समय दीजिए। उसके बाद कल यानी बीते कल यानी रविवार को सोनीपत में जो महापंचायत हो रही थी, खाप पंचायत, पहलवानों के समर्थन में, वहां बजरंग पूनिया अकेले पहुंचते हैं और मंच से ये कहते हैं कि हमारे धरने का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस महापंचायत में कोई भी डिसीजन हमारे बारे में नहीं लिया जाए। उसके अलावा साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम पहलवान खुद 3-4 दिन में एक महापंचायत बुलाएंगे, हम नहीं चाहते कि इसमें बंटवारा हो और लोग अलग अलग हों। ठीक है, इसी के साथ एक जो बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होती है वो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो FIR हैं। एक FIR थी जिसमें नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया था, दूसरी FIR दर्ज है जिसमें बाकी 6 पहलवान शामिल है। जो नाबालिग बच्ची, नाबालिग पहलवान जिसकी FIR थी, जिसकी वजह से पाक्सो था और ये जरूरी था पाक्सो की वजह से कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, उसने बीते 2 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर अपना वो शिकायत वापस ले ली, यानी अपनी वो FIR वापस ले ली, ये कहते हुए कि दबाव था। आइए स्वागत कर लेते हैं अजय सिंह जी का। अजय जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद सर। ये तो पूरी बारात का, जिसको कहते हैं ना कि बारात का दूल्हा ही भाग जाए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाक्सो वाली जो शिकायत की लड़की थी, जो सो कॉल्ड नाबालिग लड़की थी, वो पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने जाती है, वहां वो कहती है कि दुहाई हो सरकार की, हम कोई नाबालिग अबालिक नहीं है, पहले तो। दूसरी बात यह है कि हे भगवान, हमारा कोई शोषण नहीं हुआ, जो आप कहते हैं बार बार वो अपने अंदाज में। तो ये उसके बाद वो जाती है बकायदे पटियाला हाउस कोर्ट, वहां बयान दर्ज कराती है और 2 तारीख को वो FIR अपनी वापस ले लेती है। अब यहां कुछ लोग ये कह सकते हैं सर कि इसका तो कोई आधिकारिक मामला नहीं है, तो हे भगवान, पुलिस अपना काम करती है, बयान दर्ज कराती है तो दौड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, और पटियाला हाउस कोर्ट में जब ये बयान उस लड़की का दर्ज हुआ है तो कोर्ट भी मामले की सुनवाई करती है, वो पत्रकार बंधुओं को मीडिया चैनल बुला के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती और बाइट नहीं देती। तो सर ये क्या हुआ, ये तो पाक्सो का गुब्बारा ही फूट गया। सर पाक्सो का नहीं फूटा है, ये पूरी नौटंकी का पर्दा गिर गया। पाक्सो तो एक बड़ी नौटंकी, एक जो बड़ा सर्कस तंबू जो तना था, आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस में एक मेन पिलर होता है, उसी पे दो मेन पिलर होते हैं। तो सर वो मेन पिलर ही गिर गया, सर्कस का तंबू गिर गया। जी जी। अब दूसरी बात, भाई आज तक इनकी गिरफ्तारी का एक ही तो मुद्दा था, पोक्सो है, गिरफ्तार करो। तो सर अब पोक्सो नहीं है, कंप्लेंट ही नहीं है। तो सर हिंदुस्तान में कानून के काम करने का जो तरीका है, उसमें क्या होता है कि जब कंप्लेनेंट कंप्लेंट करता है कि फलाना अपराध हो गया मेरे साथ और फलाने ने किया, तो सर पुलिस का जो काम करने का तरीका होता है ना,
पुलिस पहले अपराधी नहीं ढूंढती है, पुलिस सबसे पहले देखती है कि पहले अपराध हुआ तो पहले अपराध ढूंढती है, यदि अपराध मिल जाए तो फिर अपराधी ढूंढती है, जी फिर धारा ओरा लगाती है, घटाती है, बढ़ाती है, एक बार चार्जशीट करती है, दोबारा करती है, तिबारा करती है, नए तथ्य आते हैं, फिर धारा बढ़ाती है। तो सर ये प्रक्रिया है सर, जब इन्होंने कंप्लेंट की तो पुलिस ने कहा कि अरे भैया पहले चेक कर ले अपराध हुआ भी है कि नहीं। जी जी इसलिए पुलिस समय सर पुलिस ने पाया कि अपराध ही नहीं हुआ, तो जब अपराध ही नहीं हुआ तो किसको गिरफ्तार कर ले भाई पुलिस, इधर इनका दुराग्रह चालू, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, क्योंकि हमने पॉक्सो में एक झूठी कंप्लेंट करा तो वो मामला गिरता था। अब सर इनकी समस्या पता है क्या है, ये अमित शाह से क्यों मिले? सर एक बात बताऊं आपको, इस लड़की ने अपनी जो कंप्लेंट वापस ली है ये 31 तारीख को वापस ली है जी सर, 31 तारीख को, और बजरंग पूनिया को पता लग गया था जिस दिन ये कंप्लेंट वापस लिए ना, उस लड़की के बाप ने बजरंग पूनिया को और विनेश को बता दिया था कि देखो भैया तुमने हमें फंसा दिया है, हमको जेल नहीं जाना है 10 साल के लिए, और तुम्हारे चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, और उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। तो अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अपने आप को किसी तरह निकाल जो जानी थी चली गई, इज्जत तो जो जानी थी चली गई, अब जेल न जाए। तो अब इनका पूरा प्रयास हो रहा है कि भाजपा लीडरशिप से दबाव डलवा के किसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ समझौता हो जाए, खाली वो इतना आश्वासन दे दे कैसा चलो तुमको माफ किया। वो एक गाना था, जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, जा तुझे छोड़ दिया पहली बार, माफ किया नहीं बाबा, याद है ना, अमिताभ बच्चन और कौन से जी जी गाना था, बड़ी मार खाएगा नहीं बाबा नहीं, हाँ, जी बोलता हूँ छोड़ दिया माफ किया, जा जल्दी भाग जा। तो ये सब कह रहे हैं ब्रजभूषण से कि जा जल्दी भाग जा, तो ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं नहीं बाबा नहीं, अब तो कोर्ट कचहरी हम खेलूंगा। तो सर एक बात बताऊं, एक लड़का था वो रेल में बिना टिकट चल रहा था जी, तो टीटी ने पकड़ लिया, तो लड़के ने अपने बड़े रेलवे अधिकारी बाप का नाम लिया, कैसे फलाने फलाने का आम लड़का हूं इसलिए बिना टिकट चल रहा हूं। जी तो उसने बोला अच्छा ठीक है, पर एक काम करो चलो साइड में चलो। तो टीटी उनको साइड में ले गया कोच के और बाथरूम के अंदर ले गया और बोला कि पैंट नीचे उतारो। तो वो लड़का पैंट नीचे उतारा तो टीटी जो है उसका एक बाल नोच लिया, बोला चलो वापस पैंट सरकाओ बाहर आओ। तो बोला सर वो सब तो ठीक है, पर आप ये क्या काम किए हैं पैंट उतरवा के जो बाल नोचे हैं। बोला साला कल को तुमने पब्लिक में जाके ही बोलेगा कि टीटी हमारे एक को बाल नहीं उखाड़ पाया जब हम अपने बाप का नाम लिए, साला कल आज के बाद तुम ये नहीं बोल पाएगा कि टीटी एक को बाल नहीं उखाड़ा। सर मैं तो कहता हूँ कि साला तुम लोग कितनो आंदोलन देख करेगा ना, ब्रजभूषण सिंह का बाल नहीं उखाड़ सकता। तो सर ये सब गए थे अमित शाह के पास ये कहने कि हे महाराज खाली ब्रजभूषण सिंह जी से बोलिए कि ज्यादा नहीं थोड़ा सा इतना सा बाल सर ला दीजिए, हम कम से कम हरियाणा के समाज में इतना कहने लायक तो हो जाएंगे कि देखो ब्रजभूषण सिंह का बाल है, हम लोग उखाड़ लिए। तो अमित शाह बोले ठीक है उतना हम ब्रजभूषण से कह के थोड़ा सा बाल आप लोग को मंगवा देंगे, आप लोग एक एक ताबीज बनवाए। तो सर ये लोग ब्रजभूषण सिंह का बाल नहीं उखाड़ पाए, समझे सर जी। और अमित शाह से ये लोग वादा क्या किए कि आज के बाद लखनऊ में कैंप नहीं लगेगा,
अरे तुमको तो पहलवानी करनी नहीं है, और लड़कियां सब, यही लड़कियां सब रो रो के रिक्वेस्ट करेंगी। सर ये बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ है। आप दो फोन रखिए सर, सर दो फोन रखिए, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे लोग फोन, मतलब लोगों को काट देने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। हैं? हाँ, लोगों को काट देने के बाद नए नए लोग फोन कर रहे हैं, नहीं आगे तो से आप फोन भी करना ही तो पड़ेगा उनको। महान है, आप भी तो महान है सर। आप जब पता है इतना है तो एक तो दूसरा फोन ले लीजिए सर, छोटा वाला जिसमें बतियाने के लिए साला हो पड़ा रहे। यही नंबर पे सब कुल होला यार, थोड़ा ज्यादा पब्लिक के कुल को मजा ले वादा। ठीक है, करिए शुरू करिए। आगे सुनिए तो सर, ये लड़कियां रो रो के इसी अमित शाह से रिक्वेस्ट करेंगी कि सर प्लीज पटियाले में नहीं, हम लोग का कैंप वापस लखनऊ लगा दीजिए। मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, इट शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड कि दद्दा ने ये बात कही थी। और उन्होंने कहा कि कुश्ती, महिला कुश्ती का कंट्रोल किसी महिला के हाथ में होना चाहिए, ये WFI और UWW का प्रेरोगेटिव है, इसमें अमित शाह कुछ नहीं कर सकते। अगला ठीक बात, WFI का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये भी इसमें अमित शाह कुछ नहीं कर सकते, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये ठीक भी बात, WWW और WFI का कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, इसमें अमित शाह कुछ नहीं कर सकते। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, अरे भैया ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की बात छोड़ो, अब अपनी जान बचाओ कि सर प्लीज हम लोग आपके बच्चे हैं, माफ कर दीजिए सर गलती हो गया है, हम लड़का लोग है, गलती हो जाता है, मुलायम सिंह भी कहे थे लड़का लोग गलती हो जाता है, अब क्या फांसी चढ़ाओगे, अरे पहलवान लोग है, मेडल ले आया है, अरे भाई लड़का लोग है, वेशभूषण है भाई, लड़का लोग को मत मारो भाई, गरीब लोग है। ठीक बात, तो सर ये है, अमित शाह के पास जाकर अमित शाह के सामने रोने गए थे। हाँ ठीक बात, ठीक है। पहलवान जी, अजीत जी, ये बात तो समझ में आ रही है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा है, तो मैंने पहले ही दर्शकों आपसे बात करते समय, अपने दर्शकों से बात करते समय शुरू में ही बताया था कि 2 FIR थी। तो अब इसमें जो पॉक्सो वाला था, नाबालिग लड़की के यौन, कथित यौन शोषण का जो FIR थी, वो तो FIR खत्म हो गई, वो लड़की ही वापस पीछे हट गई। अब सर ये बताइए कि अमित शाह जी से मिलने के बाद और जैसा आप बता रहे हैं उसके बाद, अगले दिन यानी रविवार को ये जाते हैं सोनीपत की महापंचायत में, और महापंचायत में केवल बजरंग पुनिया जाते हैं, और सबसे पहले तो वहां फिर एक विक्टिम कार्ड बजरंग पुनिया ये खेलते हैं कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की मानसिक स्थिति बहुत खराब है, घर का कोई सदस्य उनके साथ 24 घंटे रह रहा है कि कहीं वो कुछ ऊटपटांग ना कर लें, इसलिए हम अकेले आए हैं। फिर ये मंच से भाषण देते हैं और सीधे कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमारा शोषण करना बंद करिए। मैं जब सर ये कहता हूं कि बजरंग पूनिया मंच से ये कहते हैं कि हमारे धरने का कुछ लोग बेजा फायदा उठा रहे हैं, तो ये वो वही कह रहे होते हैं जो अपने पिछले 3-4 वीडियो में हम दोनों ने आपस में बातचीत करते हुए ये कहा कि पहलवानों का असली शोषण तो उनके जंतर मंतर पर धरना पर बैठने के बाद से शुरू हुआ, और यही कल बजरंग पूनिया ने जाकर महापंचायत में सोनीपत कह दिया। और उसके साथ जो आगे एक डेवलपमेंट उन्होंने बड़ी बात कही, वो ये कहा कि हमारा ठेका मत उठाइए, हम हाईजैक नहीं होने वाले हैं, और अब हम खुद अपनी नेतागिरी करेंगे, पहलवान खुद महापंचायत बुलाएंगे। तो सर ये बताइए, खेल तो इन्हें खेलना नहीं है, कुश्ती इन्हें लड़नी नहीं है, तो क्या अब ये माना जाए कि बजरंग पूनिया अपनी राजनैतिक संभावना तलाश रहे हैं? और दूसरी बात कि जब ये पहलवान लगातार ये कहते रहे जंतर मंतर पर बैठने के बाद से कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश के बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सर ये बताइए, खाप पंचायत को एक करके क्षेत्रीय और जातीय राजनीति करके देश के बेटियों का कल्याण करेंगे, ये क्या कहेंगे सर आप?
सर पहली बात, ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि पहलवान आंदोलन पहलवानों का नहीं, हरियाणा कांग्रेस और उसके बाद थाप पंचायतों और उसके बाद किसान फर्जी किसान नेताओं और आंदोलन जीवियों का आंदोलन था, जिसमें पहलवानों को टिश्यू पेपर समझते हैं आप, एक खाना खा के हाथ पूछा जाता है वो भी टिश्यू पेपर होता है, एक तो संडास में होता है अंग्रेज लोग यूज करता है जी जी, ये लोग संडास वाला टिश्यू पेपर बना दिए सब लोग, टॉयलेट पेपर जिसको कहते हैं ना सर, उसको संडास वाला कागज पहुंच के टॉयलेट पेपर जी, जी जी जी, पहलवान लोग को संडास वाला कागज बना दिए सब। दूसरा बात, ये लोग काम पंचायत करेगा जी, कुल जमा 3.5 लोग इनका धरना में है, ये जीजाशाली संघर्ष समिति है, महावीर फोकाट टोपा लगाते हैं, आधा उनको गिनता हूं, उनकी 4 या 5 ठो लड़की है और 4 ठो दामाद है, जिसमें 2 लड़की एक भतीजी एक्टिव थी, एकाध का दामाद थोड़ा बहुत एक्टिव था, तो कुल मिला के महावीर फोगाट के 3-3.5 लोगों का आंदोलन है जी। और साक्षी मलिक और साक्षी मलिक के पति का, कौन सी महापंचायत करेंगे पहलवानों की, कौन सा पहलवान आएगा इनके पास पंचायत में, और राजनीतिक जमीन बोलिए, सामाजिक जमीन बचा रहे हैं। देखिए राजनीति में ये लोग को कहा जाता था कि कांग्रेस ने टिकट देने का वादा किया है, सर राजनीतिक पार्टी टिकट देते समय सिर्फ एक चीज देखती है, विनेबिलिटी, कि अगर हम आपको उस सीट से टिकट दे देंगे तो क्या आप जीत जाएंगे। सर ये लोग 10 वोट नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस की टिकट पे, क्योंकि पब्लिक इनको दौड़ा दौड़ा के जूता से मारेगी, इसलिए टिकट की बात तो भूल जाइए, राजनीतिक जमीन भूल जाइए, अब तो सामाजिक जमीन। आज रोहतक में सेक्टर 4 से एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और बोला सर साक्षी का पति मेरे पड़ोसी हैं, शाम को 7 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद चोरी से घर में घुसते हैं, और जब घर में घुसते हैं तो बाहर की लाइट जला बंद कर देते हैं, सर समाज में मुंह दिखाना पतन हो गया है, 1000 लड़कियों को कलंकित करके, बिल्कुल ये लड़ाई लड़ने चले थे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और पति बाहर पार्टनर बाहर सड़क पे बैठा रहता था, पत्नी या होने वाली पत्नी अंदर बंद कमरे में सिटकनी लगा के टी शर्ट उठवा रही थी, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। ये लोग चुनाव लड़ेंगे, ये लोग समाज में मतलब सर मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, और कुश्ती समाज की कितनी बदनामी की है, देश में नहीं सर दुनिया में, आज कुश्ती की लड़कियां अपने आप को पहलवान बताने में शर्माने लगी हैं हरियाणा में, बिल्कुल हिजड़ों से भी बदतर, मतलब ब्रजभूषण सिंह से लड़ाई लड़ने चले थे और अपनी ही बेटियों को कलंकित करके, सर ब्रजभूषण सिंह दबंग आदमी है, मुंहपट है, बदतमीज है, तानाशाह है, किसी को अपने सामने बोलने नहीं देता, उसकी आंखों में इतना तेज है कि आप उसके सामने आंख मिला के बात नहीं कर सकते, अगर आप पद की बात नहीं कर रहे हैं तो, इतने रोबीले आदमी के साथ, और सर तू तो गोरखपुर का रहने वाला न हुआ, हमान गाजीपुर का ना आई, सर मार झगड़ा जे लड़ाई लड़त जे समाज में रहत था, जेके इज्जत रहे के वो ठकुरे के, तो सर 4 गोजी तो चली,
समाज में अगर जिए के है तो चार जगह झगड़ा होई, बिस्तर खेत जोतत हुआ तो डांड मेड़ के लड़ाई होई। तो सर ठाकुरन में जेल गल कोनो शर्म के बात ना है, पर चोरी छिनैती में कोनो के जेल ना जाला। हाँ जमीन बदे लड़ब, अपने इज्जत मान सम्मान बदे लड़ब, जरूरत हुई तब फायरिंग भी हुई, गोली चली, बम बनू कुल चली, पर चोरी छिनैती में जेल न जा। ठीक है सर दबंगई अपनी जगह है, पर किसी बहन बेटी को छेड़ने का आरोप लगाना, अरे मर्द थे तो मर्द की तरह लड़ते, बेटियों को कलंकित करके अपनी बेटी को अपनी होने वाली पत्नी के लिए बोलते हो कि मैं बाहर कार में बैठा था और अंदर जो है इसके साथ ऐसा काम हो रहा था, और अगले दिन मैं फिर उसको लेके आया। दिनेश के दिनेश ने यह आरोप लगाया है कि मैं अंदर थी तो मेरा पार्टनर बाहर कार में बैठा था, और अगले दिन वही पार्टनर मुझे दोबारा लेकर आया। कौन लोग ऐसा करते हैं सर? ये घृणित है, तो ये लोग महापंचायत करेंगे, ये लोग महापंचायत करेंगे, किस मुंह से महापंचायत करेंगे? अगला प्रश्न पूछिए। बिल्कुल सही बात है, और जितना आक्रोशित हैं, बीते दिन परसों की बातचीत जब हम लोग कर रहे थे, जो वीडियो कल अपलोड हुआ, उसमें आप काफी भावुक भी हो गए थे, इसी बात को लेकर भावुक हो गए थे कि कुश्ती का कितना नुकसान किया इन्होंने, और ऐसी हजारों हजार बेटियां जिनके गार्जियंस उनको कुश्ती लड़ाने और उनका कुश्ती में भविष्य बनाने के एक सपना देखते हैं, उसका इन्होंने नाश किया है। और वाकई ये बात तो है कि अब जो भी कुश्ती में रुचि रखने वाली या कुश्ती लड़ने वाली बेटियां हैं, उनको शक की निगाह से देखा जाना ये लाजमी है, जब आप इस तरीके से जनरलाइज कर देंगे। अब सर एक बात और, हम लोगों ने पिछली चर्चा में ये बात की थी कि साहब हाईजैक हो गया है पूरा आंदोलन, तो उसको तो मान रहे हैं बजरंग पूनिया भी, लेकिन सर जिसने हाईजैक कर लिया था, यानी कि टिकैत का परिवार राकेश टिकैत, और आपने पिछले चर्चा में ये कहा था कि सर अब इनके आंदोलन का जो स्टेयरिंग है वो राकेश टिकैत उस पर काबिज हो गए हैं, तो अब तो बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से कहा है कुछ लोग हमारा बेजा फायदा उठा रहे हैं आंदोलन का, तो इसका मतलब है कि फफेला यानी गले पर हाथ लगा के और राकेश टिकैत जैसे आंदोलन जीवियों को कम से कम इन पहलवानों ने उस बस से निकाल के बिल्कुल बाहर फेंक दिया है दकिया के। सर सर ये वही पहलवान थे ना जो रो रो के बुला रहे थे कि प्लीज आइए, हमारा को समर्थन कीजिए, प्लीज आइए आइए। अरे भैया तुम ही तो रो रो के बुलाए थे इन खाप वालों को, तुम ही ना बोले थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग सब डिसीजन लेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हो सकता है समाज के देश के खिलाफ भी डिसीजन ले ले। बिल्कुल ये बात अभी कही गई थी। खाप वालों को स्टेयरिंग किसने पकड़ा था? आप ही लोगों ने ना, आप ही ने कहा था दिल्ली की जांच पर भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस की, भारत सरकार की ओवरसाइट कमेटी की जांच पर भरोसा नहीं है। अब तो खाप वाले बड़े बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग जो डिसीजन लेंगे, अब क्यों बुजुर्गों से पल्ला झाड़ रहे हैं? लेने तो बुजुर्गों को डिसीजन, मतलब बुजुर्ग भी टिश्यू पेपर है क्या? जब मर्जी आया बुलाया पहुंच के फेंक दिया, क्यों बुजुर्गों को किसने बुलाया था आंदोलन में? बिल्कुल पकड़धारियों को, खाप वालों को। तो एक बात है, अब जब खाप आ गई है ना तो अपनी मर्जी से जाएगी, ठीक बात। और वो तो गिद्ध है, खाप वाले तो गिद्ध है, गिद्ध गिद्ध, जहां लाश देखी वहां टूट पड़ेंगे। अच्छा सर, जो आपने खाप की बात की, मैं दर्शकों को भी बता दूं और आपसे भी आगे इस पर थोड़ा सा पूछूंगा, इसलिए बता रहा हूं कि कुल मिला के 3 खाप पंचायतें पहलवानों के इस धरने को लेकर और इस आंदोलन के समर्थन को लेकर हुई, एक उसमें से उत्तर प्रदेश में हुई, एक कुरुक्षेत्र में हुई और ये तीसरी सोनीपत में हुई थी कल। सर कुरुक्षेत्र की पंचायत जो महापंचायत हुई, एक तो इनकी पंचायत नहीं होती, खापों की हर चीज महापंचायत होती है, जैसे वो होता है ना कि आप हाईवे के किनारे चलिए, राजमार्गों के किनारे चलिए
तो ठंडी बियर नहीं होती है, राजमार्गों के किनारे हमेशा महाघनघोर ठंडी बियर की दुकानें ही होती हैं। तो ऐसे ही यहां पर सर, जैसे लालू प्रसाद यादव जी की कभी कोई रैली नहीं होती थी, वो महारैली होती थी, और बाद में महारैली से तो महारैला हो जाता था। तो इनकी भी हाँ कोई पंचायत, खापों की पंचायत तो होती नहीं सर, हर चीज महापंचायत होती है। अब ये कुरुक्षेत्र वाली जो पंचायत हुई थी सर, उसमें खाप ने 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को। सर ये बताइए, आज 5 तारीख है, अभी तो 4 दिन बाकी हैं। उधर बजरंग पूनिया जो है वो सोनीपत में जाके कहे कि हमें माफ करो भैया, हमारे लिए कोई फैसला वैसला ना करो, हमें छोड़ दो, हम खुद ही खाप बुलाएंगे। तो वो 9 तारीख वाले अल्टीमेटम का क्या होगा सर, जो कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई थी इसके पहले? क्योंकि अब तो अगर खाप आई है मैदान में, तो खाप जैसी जातीय और क्षेत्रीय संगठनों का इन ब्लैकमेलिंग करने वाले मंचों का भी हिसाब किताब तो होगा। तो 9 तारीख के अल्टीमेटम जो केंद्र सरकार को दे रखा है, उसका क्या होगा सर? सर, हमारे सोशल मीडिया में फेसबुक पे एक टर्म है जिसको पीएलसी बोलते हैं, पीएलसी, पोस्टीरियर जी लार्ज कैविटी। शरीर के पृष्ठ भाग में एक बड़ा छिद्र होता है सर, उस छिद्र में उस अल्टीमेटम को सुरक्षित रख दिया जाएगा। उसके अंदर अगर उस छिद्र में किसी चीज को डाल लिया जाए तो वो कई सौ साल तक खराब नहीं होती। तो सर ये अल्टीमेटम को शरीर के पृष्ठ भाग में अवस्थित बड़े छिद्र में प्रविष्ट करा दिया जाएगा ठीक बात, और खोल के लेकिन समझाऊं। सर नहीं नहीं सर, और खोल के समझाऊं भोजपुरी में, या आप और आपके दर्शक समझ गए? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दर्शक तो पैन इंडिया दर्शक है सर, दद्दा की खरी खरी के भी दर्शक इस कंटेंट को देखते हैं सर। राधा एक एडिट कर, एक पड़ी थोड़ी देर चुप रहा, वहां हंसी रोकेदा है। राधा। नहीं, इसको एडिट आपने किया तो मैं आगे से नहीं आऊंगा आपके चैनल पे, ये ठीक है। तो जरूरी सर है। अब यहां थोड़ी सी देखिए, हमने जब भी बात की है, तो चूंकि आपकी एक शैली है जिसमें आप उपमाएं और व्यंजनाओं के जरिए गंभीर से गंभीर बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं सर कि यहां कोई किसी का मौज नहीं ले रहा है। क्योंकि जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों से पहलवान के नाम पर, कुश्ती के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, बेटियों के नाम पर जो कुछ भी चल रहा था, ये इतना मजाकिया खुद में था कि इसके दोषी भी ये खुद हैं। लेकिन सर अब यहां पर हम वापस आते हैं, कुश्ती का एक बड़ा नुकसान हो चुका है, ये तो आप लगातार कह रहे हैं, ये हम भी मान रहे हैं, देश भी समझ रहा है सर। अब ये बताइए कि एक एफआईआर तो मान लीजिए खत्म हो गई, बाकी 6 एफआईआर भी तो अभी हैं, पुलिस की जांच भी अभी चल रही है। अब ये जो होगा वो कोर्ट में होगा, जैसा भी होना होगा वो कोर्ट में होगा। अब सर ये बताइए कि खाप पंचायतें और पहलवानों का ये जो पूरा मामला आपस में मिल गया है, तो क्या इनको ये समझ में नहीं आया, इसके पहले जो हुड्डा परिवार था, हरियाणा कांग्रेस थी, या जितने भी लोग थे, कि ऐसा करके पहली बात तो वो अपनी बेटियों की जगहंसाई तो करा ही बैठे, अपने बच्चों की जगहंसाई तो करा ही बैठे, अपने समाज का मजाक उड़वाया उन्होंने। और ऐसा खाप पंचायतें बार बार करती हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के समय हो, एक ब्लैकमेलिंग का चरित्र, एक ब्लैकमेलर का चरित्र इनका बनता जा रहा है, ये कभी समझ में नहीं आता है, या कब आएगा सर समझ में खाप पंचायतों को? पहली बात तो सर, मैं इनको खाप पंचायत मानता ही नहीं। पहले इनसे पूछ लीजिए, मैं फलानी खाप का प्रधान हूं, किसने बनाया भाई तुझे प्रधान, कौन से सिस्टम से तू चुन के आया? ये सर स्वयंभू प्रधान है, इनके बाप प्रधान थे तो ये प्रधान बने, तो इनका बेटा प्रधान बनेगा। सर इनकी समाज में कोई स्टैंडिंग नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग ग्रुप हैं और ये स्वयंभू खापे हैं, इनको किसी समाज का कोई प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है और ये विशुद्ध ब्लैकमेलर हैं।
और सरकार के पिट्ठू हैं, आपको बता दूं, राजनीतिक दलों के पिट्ठू हैं जी वो, किसी खाप के, किसी जाति के, किसी गोत्र के, किसी के प्रतिनिधि नहीं है, दे आर सिंपल प्योर ब्लैकमेलर। ओके और सर, यही इनकी समाज में है, समाज में इनको कोई नहीं पूछता। ठीक बात है। अब यहां पर सर जो माहौल बनाया गया था जंतर मंतर पर, जब यही पहलवान बैठे हुए थे, तो वहां टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग गैंग, आंदोलन जीवी, तमाम तरह के राष्ट्रीय मुद्दे, वहां पर कोई केरल से आ जा रहा है, जेएनयू का पूरा गैंग वहां पर इकट्ठा था, और तब बड़े अच्छे सुनाई देने वाले, साउंड करने वाले नारे लग रहे थे सर। लेकिन उसी के साथ ये कहा जा रहा था, ये देश की बेटियों का सवाल है पहली चीज, पूरे देश के खेल के भविष्य का सवाल है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य का सवाल है। तीसरी चीज, ऐसे चौथी पांचवी तमाम सो कॉल्ड पाखंडी मुद्दे रखे गए। अब सर ये पूरा मामला जाके सिमट कहां गया और सिमटता दिख कहां रहा है? उसी कुरुक्षेत्र, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों में, उसी सोनीपत की खाप यानी जातीय पंचायतों में। हमारे जो दर्शक उत्तर प्रदेश और यहाँ हरियाणा या पंजाब या राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो खाप पंचायतों का मतलब होता है सीधे सीधे जाति का एक संगठन, जातिगत संगठन। तो सर ये बताइए कि कहाँ गए उनके नाते, वो दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी बातें थी कि साहब देश की करोड़ों करोड़ों बेटियां, लाखों लाखों बेटियों की इज्जत का सवाल है। सर ये बताइए, ये तो बिरादरी घर, आप जीजाशाली आंदोलन कह ही रहे हैं, तो ये तो घर, रिश्तेदारों, जाति, गांव, क्षेत्र, इसके अलावा तो कोई ये मामला ही नहीं रहा। ये तो हरियाणा से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो लोग कह रहे थे कि नहीं साहब, ये हरियाणा का मुद्दा नहीं है, हरियाणा का नहीं मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। तो आखिरकार ये अपने उसी बिल में वापस क्यों हो गए सर? सर ये सिर्फ विशुद्ध जातीय आंदोलन था और विशुद्ध नारेबाजी, खोखली नारेबाजी का आंदोलन था। और हमारा देश जो है ना, इस वक्त एक होली काउस सिंड्रोम से ग्रस्त है। कुछ हमने होली काउस बना ली है कि जैसे बेचारी अबला नारी, बेचारी बेटियां, जैसे फौजी, छात्र, किसान, ये होली काउज है ना। और जी जी होली काउज के लिए एक जबरदस्ती जो है, एक जबरदस्ती की सहानुभूति लहर हमारे देश में चल पड़ती है। ये होली काउज सिंड्रोम से हमको बाहर आना है, बिल्कुल है ना। उसी तरह एक होली काउज दलित है, बिल्कुल है। तो ये सब लफाजी है सर, ये सब लफाजी है। ठीक है सर, अब इसको कंक्लूड करें अगर आज की चर्चा को, अब आगे क्या भविष्य देख रहे हैं और आप कितना अब इस पूरे मामले को कहां जाएगा और कितने दिन में जाएगा, क्या भविष्य क्या देख रहे हैं सर, चलते चलते इसको कंक्लूड करते हैं। जी, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पुलिस इस केस में FR फाइनल रिपोर्ट लगा देगी। कोर्ट में 2 या 3 तारीख पड़ेगी और पुलिस इस FIR को क्वेस्ट कर देगी, या पुलिस चाहेगी तो कोर्ट इस FIR को क्वेस्ट कर देगी, पुलिस चाहेगी तो एक्सपंज कर देगी। फिर अब मामला आ जाएगा ब्रजभूषण सिंह के हाथ में कि अब वो इन पापियों, दुष्टों, झूठों, मक्कारों के साथ क्या करते। ये एक सवाल, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, जो बहुत सारे लोगों के जेहन में है कि हम अपने वीडियो चर्चाओं के नीचे कमेंट्स में भी देख रहे थे कि लगातार दर्शक, ये काफी दर्शक ये लिख रहे हैं अपनी टिप्पणियों में कि साहब अगर ये झूठा साबित होता है पूरा मामला, तो जिन्होंने इतना घृणित आरोप लगाया उनके खिलाफ क्या होगा। तो ये जरूर जानना चाहते हैं सर। जी देखिए, जब तक कोर्ट से FIR क्वेश नहीं हो जाती, तब तक तो ब्रजभूषण सिंह करेंगे इंतजार। जिस दिन कोर्ट से FIR क्वैश हो गई और एक्सपंज हो गई सर, खेल तो उस दिन शुरू होगा। और ये सब लोग, सब ब्रजभूषण सिंह से मैंने कहा था ना, घुटनों पे रहम की भीख मांगेंगे। पर एक बात का ध्यान रखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से ब्रजभूषण सिंह जी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं
सिंह साहब, ये अब सिर्फ आपका मामला नहीं है और आप अकेले माफ मत कर दीजिएगा। करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, पूरा पुरुष समाज कलंकित हुआ है, पूरी पहलवानी कलंकित हुई है। अकेले ब्रजभूषण सिंह माफ नहीं कर देंगे। वी टू आर स्टेक होल्डर, अब तो समाज माफ करेगा, अगर माफ करेगा तो देश माफ करेगा। बिल्कुल, और उन हजार बेटियों का भी तो सवाल है सर। उन हजार बेटियों का, जब इन पहलवानों ने ये कहा था कि हजार बेटियों का ऐसा शोषण हुआ है, तो वो हजार बेटियां भी माफी के समय, उनका भी राय जानना चाहिए। और इस तरह से देश की जो भी बेटी खेल में कुश्ती में है, उन सबसे तो आखिर वो भी तो एक स्टेक होल्डर हुए सर। बिल्कुल, और अब तो खेल तो अब शुरू हुआ है सर, अभी तो देखते जाइए क्या क्या होगा। आप जरा जल्दी कंक्लूड करिए, मेरी ना बैटरी और डाटा बिल्कुल, दोनों तो बिल्कुल बिल्कुल, आप आज की चर्चा को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं और आगे अगर कुछ होगा तो उस पर भी हम आएंगे। तो दर्शकों, एक बार फिर चर्चा को आज की समाप्त करते हुए अजीत जी को से लेते हैं विदा, और आपसे फिर वही निवेदन कि अगर अब तक आपने प्रारब्ध को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में हमें लगातार अपनी राय देते रहिए। तो आज की चर्चा करते हैं समाप्त, देते हैं अजीत सिंह जी को धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। Thank you.